नाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक्य है मगर सच है। महकमे ताली में लगभग 40 साल से काम कर रही एक सीपीडब्ल्यू की महाना तनख्वाह महज 35 रुपए है, जबकि 10 रुपए से काम शुरू करने वाली खातून आज उम्र रसीदा हो गई है और सरकार और मुतलिका महकमे को इस बारे में कोई इल्म नहीं। पेशे जहूर रिजवी की ये खास रिपोर्ट। गार हाजीपुरा भान कोलगाम की उम्र रसीदा खातून ताजा बेगम यहाँ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बहसियत सीपीडब्ल्यू काम कर रही हैं। साल 1982 में ताजा बेगम को मुतालिका स्कूल में तैनात किया गया और उस वक्त उनकी तनख्वाह सिर्फ 10 रुपए महाना मुकर्रर की गई। लगभग 36 साल से काम कर रही ताजा बेगम की तनख्वाह में अब तक सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए का इजाफा किया गया और इस वक्त ताजा बेगम की तनख्वाह 35 रुपए महाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 35 रुपए महाना, जो कि मौजूदा वक्त के मुताबिक ना के बराबर है। ताजा बेगम के मुताबिक उन्होंने स्कूल की काफी खिदमत की है, ताहम महकमे ने इसका सिला आज तक नहीं दिया और तुर्रा ये कि तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। ताजा बेगम के घर में सिर्फ उनकी एक बेटी है, उनके एक बेटे और खाविंद का इंतकाल पहले ही हो चुका है। सामाजिक कारकुनों और ताजा बेगम के पड़ोसियों का भी कहना है कि ताजा बेगम की तनख्वाह कलील है और सरकार टस से मस नहीं हो रही। ये स्कूल एजुकेशन में एज ए फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जॉब करती है। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये काम करती रहती है और इनकी सैलरी खाली 35 रुपए है। अगर वो दिन के हिसाब से देखेंगे तो 1.25 रुपीस पर डे। अगर हम देखेंगे आजकल 1 रुपए के सिक्के भी नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी भिखारी को 1 रुपए देते हैं, वो 1 रुपए लेने से भी मना करता है। उसके बावजूद आप देखिए, स्कूल एजुकेशन में बहुत लोगों की सैलरी 35,000, 40,000 या 50,000 सैलरी है, उनकी भी फिलफुल जितनी भी नीड्स होती है वो भी फिलफुल नहीं हो पाती उस सैलरी से। हम उस सैलरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ताजा बेगम जैसी हजारों औरतें हैं जेएंडके में जिनकी सैलरी 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक है। आप खुद ही मुझे बता दीजिए कि कैसे वो सर्वाइव करती होंगी। ये क्या ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं है? ये क्या लेबर एक्ट, लेबर लॉ के खिलाफ नहीं है? उसके अलावा मेरी दरख्वास्त है हायर ऑफिशियल से, हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट के से, ताजा बेगम जैसी हजारों औरतें होंगे, इनकी सैलरी इंक्रीज की जाए। न्यूज 18 उर्दू ने जब ये मामला महकमे तालीम के आला अहदेदारों तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि तनख्वाह वाकई बहुत कलील है। उन्होंने फौरी तौर पर हुक्मनामा इजरा करके तनख्वाह में इजाफे की बात की। लोकल फंड से होता है तो लोकल फंड में जैसे जैसे उनके पास अरेंजमेंट होता है उसी के हिसाब से। तो आप इस ताजा बेगम के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हमने फंड जो है वो जीआरडी साहब को कहा मैंने कि वो हमें बढ़ा दिए हैं उसके। ताजा बेगम और ऐसे हजारों मर्दोजन बहुत ही कलील तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, तहां मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले आला ऑफिसर्स के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। न ही सरकार के पास ऐसी कोई वाजे पॉलिसी है जिससे दहाइयों से काम करने वाले मेहनती अफराद की मुश्किलों को कम किया जा सके, उनके साथ इंसाफ किया जा सके। न्यूज 18 उर्दू के लिए भान कुलगाम से जहूर रिजवी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में साल